जी साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ, कुवैत ने आपको पता है भैया आंशिक रूप से, देखिए वैसे तो देखा जाए 10 अगस्त से कुछ फ्लाइटें स्टार्ट की हैं, लेकिन इंडिया सहित नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस, इन कंट्रीज़ के लिए फ्लाइटें पूर्ण रूप से बैन कर रखी हैं। तो बता दूं, ये जो न्यूज़ निकल के आई है बांग्लादेश से निकल के आई है, क्योंकि बंगाली भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कुवैत में रहते हैं। वो लगभग 150 लोग वहाँ के विदेश मंत्रालय में इकट्ठे हुए। ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है कि भाई इंडियन वर्कर भी बहुत हैं जो कुवैत से इंडिया आए थे छुट्टी के लिए। जी हाँ, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम का, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसका रीज़न ये मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बता दूं साथियों, लगभग 150 बंगाली जिनका वीज़ा एक्सपायर होने के कगार पे है, जी हाँ, कुवैत से रिलेटेड वो 150 लोग विदेश मंत्रालय में इकट्ठे हुए। वहाँ पे ज्ञापन दिया विदेश मंत्रालय बांग्लादेश को कि भाई हमारे वीज़ा से रिलेटेड आप कुवैत सरकार से बात की जाए, क्योंकि आपको पता है कुवैत का रूल है, गल्फ कंट्रीज़ का रूल है कि 6 महीने तक आप रह सकते हो। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। फिर जाने में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, कितने लोगों के कुवैत में बिजनेस हैं, कितनों की शॉप हैं, कितना का खुद का गाड़ी घोड़े जो भी है बिजनेस है लोगों के, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आगे कुवैत सरकार ने रिन्यू नहीं किया तो भाई उनके वीज़ा का क्या होगा, आपको सोचने की बात है। कितना बड़ा लॉस होगा, चाहे वो बंगाली हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे नेपाली हो, वर्कर तो वर्कर हैं, नुकसान तो होने वाला है। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई नेपाल, पाकिस्तान, बंगाल और फिलीपींस कूटनीतिक स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कुवैत के साथ सेटिंग, इसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे जो लीगल वर्कर हैं इनको आप अनुमति दें कुवैत आने के लिए। यानी उन्होंने एग्जांपल दिया हमारा, समझ रहे हो बात को। तो बांग्लादेश सरकार को, विदेश मंत्रालय को कोशिश करनी चाहिए कि भाई कुवैत सरकार से आग्रह करें कि हमारे जो लीगल वर्कर हैं उनको कुवैत में आने की इजाज़त दें, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सरकार ने 6 महीने का टाइम दे रखा है, भी 6 महीने तक नहीं आए वीज़ा कैंसिल, लेकिन फिर भी कुवैत सरकार ने 3 महीने और बढ़ा दिए थे। आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से भाई 6 महीने के बाद 3 महीने और कर दिए, यानी 9 महीने तक भी आप कुवैत में आओगे तो आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा। तो उनका तर्क ये कि हमें 6-7 महीने हो चुके हैं, किसी को 8 महीने हो चुके हैं छुट्टी आए हुए, वापस नहीं जा पा रहे हैं। सरकार ने अक्टूबर सितंबर तक कुवैत सरकार ने फ्लाइटों पे बैन की घोषणा कर दी है, तो हमें नुकसान होगा। रिक्वेस्ट ये कि जो लिमिटेड वर्कर हैं जिनके वीज़ा पासपोर्ट में अभी तक लगे हुए हैं उनको तो कम से कम कुवैत सरकार वापस बुलाए, ऐसा उनका तर्क था। तो भैया आप जो इंडियन लोग हैं आप भी अपने स्तर पर ट्राई कर सकते हैं, वरना तो आपके वीज़ा एक्सपायर हो जाएंगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, आपके वहाँ पर बिजनेस भी पड़े होंगे, आपका घर बार गाड़ी घोड़े सब छोड़ के इंडिया आए थे छुट्टी मनाने के लिए फंस चुके हो। तो भाई आप अपने स्तर पे भी ट्राई करोगे तो कुछ हो पाएगा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि सरकार ही सब कुछ कर देगी, सरकार को कानों में डालने की आवाज़ तो आपकी पहुंचनी चाहिए ना। तो आप भी अपने स्तर पे कुछ ज्ञापन वगैरह सरकार के सामने ये मांग रख सकते हो। जैसे दुबई का वीज़ा स्टार्ट हो गया, दुबई के सब जिनके पास वैलिड वीज़ा है वो दुबई जा सकते हैं, तो कुवैत वाले भी अपने स्तर पर ट्राई करें ताकि आप कुवैत जाने का जल्दी से जल्दी आपको मौका मिले, आपका वीज़ा एक्सपायर ना हो। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।